अवाम ने कंटेनर हटा दिया नाजरे कराम, अवाम ने कंटेनर हटा दिया नाजरे कराम, अवामी ताकत इस वक्त आपके सामने, अवाम ने कंटेनर हटा दिए। क्या नाम है? इमरान खान जिंदाबाद। दूसरा कंटेनर भी नाजरे कराम हट चुके, ये अवामी ताकत है नाजरे कराम। अंदर से आप देख सकते हैं कंटेनर हट चुके हैं नाजरे कराम, कंटेनर हटा दिए अवाम, पहली मरतबा इनकलाब आ चुके हैं नाजरे कराम, अवाम ने पूरी तरह से कंटेनर हटा दिए। मजबूर कर देते हैं पत्थर उठाने पे, इंशाल्लाह अगर जरूरत पड़ी तो 302 भी करेंगे। आपके सामने नाजरे कराम एक बड़ा इनकलाब जो यहाँ पर सड़कों पर आ चुका है। इधर आइएगा, इधर आइएगा, इधर आइएगा बेटा, क्या कर रहे हैं इंशाल्लाह आप निकले बंगाली बुलाने श्रीलंका, हम क्या रामस्कों को पार कर यूरोप जाते हैं, तो ये क्या है, ये तो बेटी इस्लामाबाद है। आप देख सकते हैं हाँ, हमारे साथ कंटेनर हटा दिए गए हैं, ये जहाँ जहाँ गुजर रहे हैं ये कंटेनर हटा रहे हैं और लोगों को जा रहे हैं। आप देख सकते हैं मुतार खान आप भी इस तहरीक में शामिल हैं। यस, क्या वजह इस तहरीक में शामिल होने की? बेरोजगारी। वो कह रहे हैं हमने एक दफा भाग नहीं करना, मैं आपको दिखा रहा हूँ मोहतरमा, आप देख सकते हैं पंजाब पुलिस बुरी तरह से भाग चुकी है और पहले इन्होंने शैलिंग की, लोगों को स्टेट शैल मारे, इन्होंने फिर पत्थरबाजी की। पहले ये खामोश थे, मैंने इंटरव्यू भी किया है, ये मैं गवाह हूँ इस चीज़ का, ये पूरा मन थे, किसी ने भी कुछ नहीं। पहले उन्होंने शैल मारे, मुंह पे शैल पड़े, फिर उसके बाद इन लोगों ने यहाँ पर किया। पुलिस वाले ने डंडा मारे, सही है, उसके बाद जब सबको भगा दिया ठीक है, उसके बाद उन्होंने शिलिंग मारे, शिलिंग इन्होंने मारे, उसके बाद हमने पत्थर उठाया और अब इंशाल्लाह भगाएंगे इसको। सोनू थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, वो तो है लेकिन अब भागने पे मजबूर है। आप देख सकते हैं आवाम इस वक्त पे दब गई है नाजरे कराम, पंजाब पुलिस को देखें, पंजाब पुलिस भाग रही है नाजरे कराम, आप देख सकते हैं पंजाब पुलिस भाग गई है नाजरे कराम, पत्थरों की बारिश हो रही है पंजाब पुलिस के बलवाइयों पर जिन्होंने इतने साल तक जुल्म किया। आप देख सकते हैं नाजरे कराम, ये नाजरे कराम आप देख सकते हैं, हम नहीं छोड़ेंगे इनको, ये काफिरों का साथ दे रहे हैं। नाजरे कराम आपके सामने, आपके सामने पत्थर इस वक्त, नाजरे कराम आप देख सकते हैं कि पंजाब पुलिस भाग चुकी है, आगे आगे हैं अवाम, नाजरे कराम पंजाब पुलिस भाग रही है नाजरे कराम, आप देखें वो देखे नाजरे कराम भागता हुआ दिखाए, पंजाब पुलिस भाग रही है, देखिए जा सर इधर आए सर, क्या कहेंगे पंजाब पुलिस भगा दिए, भगा दिए हम भगा देंगे, मेरा बहुत जोश है। हमारे नवाज शरीफ ने तबाही कर दिया, मरियम नवाज ने गरीबों का कोई हाल नहीं छोड़ा है। ये देखिए नाजरे कराम कंटेनर हटा दिए गए अवाम ने, अवाम ने ये देखे, अवाम रोक रही है कि पत्थरबाजी चीजों को मत तोड़ा जाए। आप देख सकते हैं इस वक्त इधर अगर दिखाएंगे, ये देखिएगा नाजरे कराम, अवाम इस वक्त
फिर आएगा। बेटा क्या कर रहे हैं जी? निकले बंगाली पुलिया के श्रीलंका हम क्या रमतों को पार कर यूरोप जाते हैं, तो ये क्या है? ये तो ब्रिटिश इस्लामाबाद है। आप देख सकते हैं हाँ, हमारे साथ कंटेनर हटा दिए गए हैं। ये जहाँ जहाँ गुजर रहे हैं ये कंटेनर हटा रहे हैं और लोगों को जा रहे हैं। कोई रहनुमा कोई लीडर नहीं है, कोई लीडर खुद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मुतार खान आप भी इस तहरीक में शामिल हैं। यस, क्या वजह इस तहरीक में शामिल होने की? बेरोजगारी। वो कह रहे हैं हमने एक दफा भाग नहीं करना, मैं आपको दिखा रहा हूँ मोहतरमा। आप देख सकते हैं पंजाब पुलिस बुरी तरह से भाग चुकी है और पहले इन्होंने शैलिंग की, लोगों को स्टेट शैल मारे, इन्होंने फिर पत्थरबाजी की। पहले ये खामोश थे, मैंने इंटरव्यू भी किया है, ये मैं गवाह उस चीज का, ये पूरा मन थे। किसी ने भी कुछ नहीं, पहले उन्होंने शैल मारे, मुंह पे शैल पड़े, फिर उसके बाद इन लोगों ने यहाँ पर किया। पुलिस वाले ने डंडा मारे सही है, उसके बाद जब सबको भगा दिया ठीक है, उसके बाद उन्होंने शिलिंग मारे, शिलिंग इन्होंने मारे, उसके बाद हमने पत्थर उठाया और अब इंशाल्लाह भगाएंगे इसको। सोनू थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। ये शेल फेंक दिए नाज़िरे किराम, आप देख सकते हैं शेलिंग शुरू कर दी गई है, शेल इस वक्त फेंक दिए गए, आवाम इस वक्त आपके सामने, शेल इस वक्त फेंके गए आवाम की तरफ और आवाम आपके सामने नाज़िरे किराम। पंजाब पुलिस को उन्होंने पीछे कर दिया था, कंटेनर हटा दिए थे और आवाम जो है वो देखिए, बच्चा जो है इधर आएगा, मैं बात करूँ इससे। कितने साल उम्र है तुम्हारी? कितने साल उम्र है? 18 साल की उम्र में ये जज्बा किसने दिया इतना जज्बा? ये इमरान खान ने दिया, हक के साथ लड़ते हैं। ये जरा इधर देखिएगा, आपकी कितनी उम्र है? 12 साल उम्र है। इमरान खान के लिए, इमरान खान के लिए जान भी कुर्बान है, जान भी कुर्बान है। नाज़िम इकराम रख दिया पूरे इस्लामाबाद को, पूरे पिंडी को, क्या हमारा कोई राइट नहीं है? किसने बंद किया इस्लामाबाद को? जवाब दे हमें। टैक्स हमसे लेते हैं, पाल हम रहे हैं पाकिस्तान को, इदारे हम चला रहे हैं और आपने बंद करके रख दिया पूरे पाकिस्तान को। जलील कर रहे हैं आप इस कौम को। किसने हक दिया आपको जलील करने का? कौन होते हैं आप जलील करने वाले इस कौम को? हम ये हिसाब अब लेंगे और ये कौम को लेना पड़ेगा हिसाब, ये पाकिस्तानी नौजवानों को लेना पड़ेगा हिसाब, ये बुजुर्गों को लेना पड़ेगा हिसाब, किसानों को लेना पड़ेगा हिसाब, दुकानदारों को लेना पड़ेगा हिसाब। ये दुकानें आप देख रहे हैं, इनके बच्चों की जंग लड़ रहा है मेरा मुर्शिद, इनके बच्चों की जंग लड़ रहा है। लेकिन मैं सारे बाजार में से आ रहा हूं, 5-7 किलोमीटर गाड़ी में पीछे लगाकर एक बाइकिया लेकर आ रहा हूं और मैं बाजारों में देखता आ रहा हूं कि पिंडी के लोगों के लिए जिस पर मान था इमरान खान को कि ये तमाम वहां पर पहुंचेंगे, मियां वाली का जलसा खत्म किया और पिंडी के अंदर रखा। लेकिन आज पिंडी सारा खुला हुआ है और दुकानों पर बैठे दुकानदारी कर रहे हैं। आपकी दुकानदारी आज वैसे ही बंद है, अगर इसका शटर बंद करके आप आज लियाकत बाग में पहुंचे होते, तारीख भी आपको याद रखती, आपकी औलाद भी आपको याद रखती, आने वाली नस्लें भी आपको याद रखती कि हकीकी आजादी के लिए ये तमाम लोग बाहर निकलें। बात आपकी सही है, लेकिन मैं यहां पर देख रहा हूं कि अगर मेरा कैमरामैन दिखाए, पीछे भी दुकानें बंद हैं और मैं बड़ी दुकानें बंद भी देखता आ रहा हूं, हमने देखी हैं, लेकिन ये बड़े ऐसे नहीं होगा। अब ये वो बात करेंगे जो बात खुल के होगी, इस आवाम को सोच समझ नहीं आ रही। ये आवाम सपोर्ट करने के लिए तैयार है लेकिन हक लेने के लिए तैयार नहीं है, वोट डालने के लिए तैयार है, बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। आखिर कौन निकलेगा बाहर? श्रीलंका है यहां पर इंकलाब के लिए, बांग्लादेश के लोग हैं इंकलाब के लिए, आपने और मैंने इंकलाब लेना है। हम अपने कारोबार बंद करें, हमारे कारोबार के पल्ले है क्या? कौन कमा रहा है इस कारोबार से? 2.5-2.5 लाख रुपए आप बिल दे रहे हैं, लेकिन वो बिल देना आपको ठीक है, लेकिन अगर आपको हक के लिए निकलना पड़ता है तो आप खामोशी से रुक जाते हैं। क्यों रुकते हैं आप? यहां पर मैं देख रहा हूं वो पुलिस वाले खड़े हैं, वो तकरीबन कोई 15-20 पुलिस वाले हैं। ये बंद करें अभी बाजार, मैं देखता हूं ये पुलिस वाले आपके सामने खड़े भी हो जाएं। लेकिन हमारे अंदर जुर्रत कहां से आएगी? हुसैनियत किसके लिए थी? करबला किसके लिए था? मौला हुसैन ने जो कुर्बानियां दी वो आपके और मेरे लिए सबक आमोज थी। क्या आपने जुल्म के खिलाफ खड़े होना है? हर दौर के यजीद को इनकारी होना है आपने। बेशक आज आप यजीद के सामने डर रहे हैं, आपका ईमान कमजोर है। ये पिंडी के लोगों को मैं बताना चाहता हूं, मैं पंजाब से